नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूँ। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, हम लोग अपने बाल विकास की क्लास को आज फिर से उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज बाल विकास की हम लोगों की 12वीं क्लास होगी, जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए सिलेक्शन बैच आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। कौन सा? यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए सिलेक्शन बैच लॉन्च किया गया है, उसी की हम लोग बाल विकास की क्लास कर रहे हैं। और बाल विकास की क्लास को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? संज्ञानात्मक विकास क्या होता है इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों, संज्ञानात्मक विकास की बात करें कि संज्ञानात्मक विकास कौन कौन सी अवस्था में, बालक के या शिशु में या किशोर में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है। संज्ञानात्मक विकास, साथियों, संज्ञानात्मक विकास का सबसे पहला संबंध उन तरीकों से होता है जिनसे बालक की आंतरिक मानसिक शक्तियाँ, कौन सी? आंतरिक मानसिक शक्तियाँ और अर्जित, विकसित और अवसर के अनुसार प्रयुक्त होती हैं। जैसे अगर बात करें समस्या और समाधान, जैसे अगर बात करें तो समस्या हुआ, साथ ही साथ समाधान, स्मृति और भाषा, शैशवावस्था में सीखने, याद करने और सूचनाओं को प्रतीक के रूप में प्रयुक्त करने की क्षमता बहुत सामान्य स्तर पर होती है। शैशवावस्था में बात करें अगर साथियों, तो सीखने, याद करने तथा सूचनाओं के प्रतीक की क्षमता बहुत प्रयुक्त होने की क्षमता बहुत सामान्य स्तर की होती है। वे छोटे छोटे संज्ञानात्मक कार्य करने में सफल होते हैं। जैसे बात करें तो सजीव निर्जीव की पहचान करना, सजीव निर्जीव में क्या अंतर होता है, किस प्रकार से अंतर होता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो कुछ वस्तुओं को पहचानने का भी काम इसी में किया जाता है। जब व्यक्ति के संज्ञान में चीज़ें आती हैं तो वह सजीव निर्जीव के बारे में पहचान करने लगता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो कुछ वस्तुओं को भी वो पहचानना शुरू कर देता है। बाल्यावस्था के दौरान अधिगम और सूचना संबंध की गति तीव्र हो जाती है। बाल्यावस्था के दौरान अधिगम अर्थात सीखने की तथा सूचना कार्य में संबंध की गति क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। इसी प्रकार साथियों, अगर बात करें कि याद रखने की अवधि भी काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है। साथ ही साथ संकेतों को प्रयुक्त करने की क्षमता का भी विकास होता है कि संकेतों को किस प्रकार से हम प्रयुक्त करें उसकी भी क्षमता का साथ साथ विकास होने लगता है। अगली बात करें अगर साथियों, तो किशोरावस्था की ओर बढ़ते बालक सूक्ष्म चिंतन की ओर भी बढ़ने लगते हैं। मतलब जैसे ही बालक किशोरावस्था की ओर बढ़ते हैं तो बालक में सूक्ष्म चिंतन करने की भी क्षमता काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है। सूक्ष्म चिंतन अर्थात छोटी छोटी चीज़ों का चिंतन करना उनकी आदतों में धीरे धीरे आने लगता है। साथियों, और भाई बताएं अगर, तो अनुभव और अधिगम संज्ञानात्मक विकास के सहायक होते हैं। अधिगम और अनुभव जो होते हैं, मतलब सीखना और एक्सपीरियंस, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो ये दोनों जो है संज्ञानात्मक विकास में काफ़ी सहायक होते हैं। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य की बात करें तो बालकों का किसी संवेदी सूचना को ग्रहण करने, उस पर चिंतन करने तथा क्रमिक रूप से उसे इस लायक बना देने से होता है जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में समस्या समाधान के लिए किया जा सके। इस प्रकार देखा जाए तो संज्ञानात्मक विकास मानसिक विकास से संबंध होता है। संज्ञानात्मक विकास जो होता है, अगर इस तरीके से देखा जाए तो मानसिक विकास से संबंध रखता है। कौन से विकास से? मानसिक विकास से संबंध रखता है। मानसिक विकास से अलग करके संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन नहीं किया जा सकता। अगर हम लोग प्रयास करें कि मानसिक विकास से अलग करके हम लोग संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करें तो यह संभव नहीं हो पाता है। संज्ञानात्मक विकास के संबंध में साथियों, जीन पियाजे ने क्या कहा इसके बारे में अगर बात करें तो ये कहते हैं कि अपने अध्ययनों के आधार पर पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया जो शिक्षा और शिक्षकों के लिए मील का पत्थर बना। जीन पियाजे जी अपने अध्ययन के आधार पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया जो कि शिक्षा और शिक्षक के लिए
शिक्षा और शिक्षक दोनों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अब साथियों अगर बात करें संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक भी हैं, वो कौन कौन से हैं, जिनमें से कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं और कुछ वातावरणीय व जैविक कारक भी मानसिक व संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। इसी में साथियों क्रो एंड क्रो एक जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या कहते हैं उसकी भी चर्चा हम लोग करते हैं। कौन? क्रो एंड क्रो। क्रो एवं क्रो संज्ञानात्मक विकास के बारे में क्या कहते हैं कि विभिन्न कारक मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, विभिन्न कारक मानसिक विकास को प्रभावित विभिन्न कारक जो हैं वो मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। वंशागत नाड़ी मंडल की रचना संभावित विकास की गति और सीमा को निश्चित करती है। कुछ अन्य भौतिक दशाओं या व्यक्तिगत और वातावरण संबंधी कारक मानसिक प्रगति को तीव्र या मंद कर सकते हैं। ठीक, ये कहते हैं कि वंशागत नाड़ी मंडल की रचना वंशागत नाड़ी मंडल की नाड़ी मंडल की रचना किसकी नाड़ी मंडल की रचना संभावित विकास की गति और संभावित विकास की गति और संभावित विकास की गति और सीमा को निश्चित करती है। निश्चित करती है। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें हम लोग कुछ अन्य भौतिक दशाएं या व्यक्तिगत या व्यक्तिगत और वातावरण संबंधी कारक मानसिक प्रगति को मानसिक प्रगति को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। मानसिक प्रगति को तीव्र या मंद करते हैं या प्रभावित करते हैं। क्रो एंड क्रोजी क्या कहते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए साथियों? ये कहते हैं कि विभिन्न कारक मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। ये कहते हैं कि विभिन्न कारक मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। वंशागत नाड़ी मंडल की रचना संभावित विकास की गति और सीमा को निश्चित करती है। जो वंशागत नाड़ी मंडल होती है उसकी रचना जो है वो संभावित विकास की गति, विकास मतलब संभावित विकास कितना हो सकता है, और सीमा को निश्चित करती है कि कितना होना है। कुछ अन्य भी भौतिक दशाएँ होती हैं, कुछ अन्य भौतिक दशाएं होती हैं, या तो बात करें व्यक्तिगत या तो फिर और वातावरण संबंधी कुछ कारक ऐसे होते हैं जो मानसिक प्रगति को प्रभावित या मंद करते हैं, प्रभावित करते हैं या तो फिर मंद या तीव्र करते हैं। ठीक साथियों, ये मत है क्रो एंड क्रो का। अब हम लोग साथियों बात करेंगे कि शैशवावस्था में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है। शैशवावस्था में संज्ञानात्मक विकास
शैशवावस्था में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है। साथियों, अगर हम लोग बात करें तो शैशवावस्था में संज्ञानात्मक विकास जो है वह ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है। शैशवावस्था में जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह हमारी जो शरीर की ज्ञानेंद्रियां होती हैं उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है। शिशु अपने आसपास के वातावरण के जिन वस्तुओं को देखता है और जिन व्यक्तियों के संपर्क में आता है उन्हें जानने की कोशिश करता है साथियों, धीरे धीरे वह अपने आसपास के वातावरण, व्यक्तियों तथा खिलौनों से भी परिचित होने का काम करने लगता है। जो शिशु होता है धीरे धीरे वह अपने आसपास के व्यक्तियों, वस्तुओं और चीज़ों से परिचित होना शुरू हो जाता है और उन्हें जानने का काम करने लगता है। और अगर बात करें साथियों, तो चूंकि इस अवस्था में मानसिक विकास की गति जो होती है तीव्र होती है, संज्ञानात्मक विकास को हम लोग मानसिक विकास की गति से ही समझेंगे, मानसिक विकास से रिलेट करके ही समझेंगे। तो इस वजह से हम लोग पढ़े थे कि शैशवावस्था में मानसिक विकास जो होता है काफ़ी तीव्र गति में होता है, जिसके कारण बालक व्यक्ति अपने आसपास की चीज़ें, अपने आसपास के वातावरण, अपने आसपास के खिलौनों, उन सभी चीज़ों को जानने की धीरे धीरे कोशिश करता है। ठीक साथियों, अगर बात करें साथियों तो शैशवावस्था में संज्ञानात्मक विकास पर कई बातों पर प्रभाव पड़ता है। वो कौन कौन से बात होते हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात हुई साथियों कि बच्चे के पालन पोषण का तरीका क्या है। बच्चों के पालन पोषण का तरीका क्या है, इसका भी प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। साथ ही साथ अगली बात है कि आसपास का पर्यावरण क्या है। आसपास का पर्यावरण और साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो परिवेश की सामाजिक व मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है। हमारे आसपास का जो परिवेश है उसकी सामाजिक व मनोवैज्ञानिक स्थिति कौन सी, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, इन तीनों फैक्टर्स का हमारे शैशवावस्था में संज्ञानात्मक विकास पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अब साथियों हम लोग बात करें तो अब हम लोग बात करेंगे कि बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास, बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास की बात करें साथियों तो बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास की गति अति तीव्र होती है। बाल्यावस्था में जो संज्ञानात्मक विकास की गति होती है वो काफ़ी तीव्र होती है, क्योंकि बाल्यावस्था जो अवस्था होती है वो सीखने की, समझने की ही अवस्था होती है, जानने की अवस्था होती है। ठीक, इस वजह से बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है। अगर बात करें साथियों तो बालक की मानसिक क्रिया में परिपक्वता दिखाई पड़ती है, बालक की मानसिक क्रियाओं में भी परिपक्वता दिखाई पड़ती है। अगर हम लोग बात करें साथियों कि छठवें वर्ष में बालक का किस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास होता है, बालक का जो छठवां वर्ष होता है उसमें किस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास होता है, तो साथियों बालक की बुद्धि और मानसिक शक्तियों का पर्याप्त विकास हो जाता है छठवें वर्ष में। छठवें वर्ष में बालक का
बुद्धि और मानसिक शक्तियों का पर्याप्त मात्रा में विकास हो जाता है। साथ ही साथ साथियों वह सार्थक प्रश्नों का सही उत्तर भी देने लगता है। जब बालक छठवें वर्ष में पहुंचता है तो वह सार्थक प्रश्नों का सही उत्तर, आप जैसे कोई चीज़ पूछेंगे तो उसका संज्ञानात्मक मतलब उसके संज्ञान में चीज़ें इतनी आ जाती हैं कि आपके सार्थक प्रश्नों का वो सही उत्तर देने में छठवें वर्ष में वो सक्षम हो जाता है। साथ ही साथ साथियों उसमें स्मरण शक्ति तथा कल्पना शक्ति का भी पर्याप्त विकास होता है। उसमें चीज़ों को याद करने की शक्ति और चीज़ों को सोचने की कल्पना करने की भी शक्ति का विकास काफ़ी मात्रा में होने लगता है। और अगर बात करें साथियों तो भाषा का कुशलतापूर्वक भी वह प्रयोग करना सीख जाता है। जब बालक बाल्यावस्था में के छठवें वर्ष में पहुँचता है तो वह भाषा का विकास और संतुलित तरीके से उत्तर प्रत्युत्तर भी वह करने लगता है। कुशलतापूर्वक मतलब इतना वह कुशल होता है कि वह शब्दों का सही तरीके से उत्तर देने में सक्षम होता है। अब अगर साथियों हम लोग बात करें जब सातवें वर्ष में बालक पहुंचता है, साथियों तो बालक छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन कर लेता है। तो छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं जो कि उसके नज़रों से उनके संज्ञान में गुजरी होती हैं उसका वर्णन वो धीरे धीरे करना सीख जाता है। साथ ही साथ वस्तुओं में समानताएं और अंतर भी वह बताने लगता है, वस्तुओं में कि कौन सी वस्तुओं की क्या समानता है, क्या कार्य है, कहाँ हमें प्रयोग करना है, कि इसका जो है अंतर भी वह धीरे धीरे जब सातवें वर्ष में बालक पहुँचता है तो स्पर्श करने में सक्षम होता है। और साथियों संदेश भी जो है, अगर आप कोई संदेश उससे भिजवाएंगे या तो कोई और आपके पास संदेश भिजवाएगा तो वो संदेश ले आएगा और ले भी जाने में सक्षम हो जाता है, ठीक सातवें वर्ष में। अब अगर साथियों हम लोग आठवें वर्ष की बात करें, कि बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास आठवें वर्ष में किस प्रकार से होता है, तो साथियों आठवें वर्ष में बालक छोटी छोटी सामान्य समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित कर लेता है, कहानी कविताएं याद भी कर लेता है। बालक जो आठवें वर्ष में पहुंचता है, बाल्यावस्था में जब संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं तो बालक जब आठवें वर्ष की अवस्था में पहुँचता है तो कुछ न कुछ छोटी छोटी ऐसी समस्याएँ होती हैं, व्यक्तिगत छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उसका वो निराकरण करने में सक्षम होता है। जैसे अगर बात करें तो वो लिख रहा है, उसके पेन का कैप जो हुआ वो अगर गिर गया तो वो स्वयं उसे ढूंढने का प्रयास करेगा कि कहाँ गिर गया, उसे हम उठाएं और पेन में उसका कैप लगाएं, ठीक इस तरीके से चीज़ें। जैसे मान लीजिए कि वो लिख रहा है पेन का कैप है वो कहीं गिर गया, या कहीं मान लीजिए बिस्तर पे बैठा है, बेड पे बैठा है, कैप निकाल के वो लिखा, बाद में कैप कहाँ निकल गया वो पता नहीं चला, कहाँ चला गया, तो उसे स्वयं वो ढूंढने का प्रयास करेगा। इसी प्रकार से बताया जा रहा है कि छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करना आठवें वर्ष की अवस्था में बालक स्वयं सीख जाता है, ठीक साथियों। कहानी भी याद करने में सक्षम होता है, कविताएँ भी याद करने में वो सक्षम हो जाता है इस दौरान। अगली बात करें अगर हम लोग कि जब बालक नवें वर्ष में पहुंचता है उस दौरान उसका संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है, तो साथियों नवें वर्ष की बात करें तो बालक जो है समय दिन तारीख वर्ष आज भी बताने लगता है, सिक्कों का ज्ञान हो जाता है बालक को, रुपए पैसे गिनने जोड़ने घटाने समय दिन तारीख महीना व वर्ष आज का भी ज्ञान हो जाता है। जब बालक नवें वर्ष में पहुंचता है तो बालक को समय पूछिए बालक को तो वो भी बताएगा, दिन बताएगा, तारीख बताएगा, महीना बताएगा, पैसे का जोड़ घटाना बताएगा, कितने रुपए हैं, कितने सिक्के हैं, कितने रुपए के सिक्के हैं, कितने रुपए की नोट है, ये सारी चीज़ों का ज्ञान उसे दिन समय महीना वर्ष इन सारी चीज़ों का नवे वर्ष में उसे ज्ञान हो जाता है, ठीक साथियों। तो इस प्रकार से उसका संवेगात्मक विकास होता है नवे वर्ष में। अब अगर साथियों दसवें वर्ष की बात करें, जो बालक का दसवां वर्ष होता है, कौन सा दसवां वर्ष बालक का होता है, तो साथियों बालक द्रुत गति से बोलने लगता है, 3-4 मिनट में 60-70 शब्द कह सकता है, दैनिक जीवन में नियमित कार्यों को स्वयं करने में सफल हो जाता है। दैनिक जीवन में अगर बात करें जो दसवां वर्ष होता है तो बालक दैनिक जीवन में साथियों
नियमित कार्यों को स्वयं करने में सफल हो जाता है, वह सही ढंग से निरीक्षण और तार्किक चिंतन भी करने लगता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो बालक 3-4 मिनट में 60-70 शब्दों को भी बोलने की उसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस होने लगती है। 60-70 शब्द भी बालक उस दौरान बोल सकता है। साथ ही साथ दैनिक जीवन में नियमित कार्यों को भी स्वयं करने लगता है जब बालक 10वें वर्ष की अवस्था में पहुँचता है। तो ठीक साथियों, अब हम लोग अगर बात करें 11वें वर्ष की, बालक के 11वां वर्ष जो होता है उसमें उसका संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है। 11वें वर्ष की अगर बात करें साथियों, तो लगभग 6 अंक आगे और आगे की ओर, लगभग 4 अंक पीछे की ओर उल्टी गिनती तथा पुनरावृत्ति इस दौरान करने लगता है। मतलब यह बताया गया है कि उस समय उसका संवेगात्मक विकास, संज्ञान की चीज़ें उस समय इतनी उसके संज्ञान में आ जाती हैं कि 6 अंक आगे की चीज़ें, 4 अंक पीछे की चीज़ें, पुनरावृत्ति की चीज़ें, आगे पीछे की चीज़ें, मतलब उल्टी सीधी चीज़ें धीरे धीरे वो सीखने लगता है कि किस प्रकार से चीज़ों को हमें फॉरवर्ड करना है या तो फिर बैकवर्ड करना है। ठीक, इस तरीके की चीज़ें वो धीरे धीरे सीखने लगता है। साथ ही साथियों, साधारण गद्यांश पढ़कर उसका सारांश भी बता सकता है। छोटी छोटी वस्तुओं तथा घटनाओं की तुलना भी वह करने में सक्षम होता है। किसी घटना का कारण भी वह बता सकता है कि अगर कोई घटना घटी इस दौरान तो यह इस घटना घटने का कारण क्या है, घटना घटने का कारण भी बताने में वो धीरे धीरे सक्षम होने लगता है। अब अगर साथियों हम लोग अगली बात करें कि 12वां वर्ष जब बालक का होता है, बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास का, तो उस दौरान उसमें कितना संज्ञानात्मक विकास होता है जब जो 12वां वर्ष होता है। 12वें वर्ष की बात करें साथियों, तो बालक में तर्क और समस्या को हल करने की योग्यता भी विकसित हो जाती है। बालक में तर्क और समस्या को हल करने की योग्यता बालक के अंदर इस दौरान 12वें वर्ष में आ जाती है। साथ ही साथ वह विभिन्न परिस्थितियों की वास्तविकता जानने का भी प्रयत्न करता है। कौन सी परिस्थिति कब आती है या उसकी क्या वास्तविकता है उसे भी वह जानने का प्रयत्न करने लगता है। कठिन शब्दों की व्याख्या करने तथा छोटी छोटी बातों का कारण बताने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। कठिन शब्दों की किस प्रकार से व्याख्या की जाए तथा छोटे छोटे समस्याओं का क्या कारण है वो भी बताने में बालक उस दौरान सक्षम होता है। कब? 12 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि उसका इतना संवेगात्मक विकास हो जाता है। और अगर बात करें साथियों, तो वह दूसरे बालकों को सलाह भी देने लगता है। इतना सक्षम, इतना मैच्योर हो जाता है 12 वर्ष की अवस्था में कि अपने से दूसरे बालकों को वह सलाह भी देने का काम करने लगता है। वह देखी हुई वस्तु या घटना के बारे में 75% तक बातें बता सकता है। बाल्यावस्था के दौरान बालक बालिकाओं की ज्ञानेंद्रियाँ परिपक्व हो जाते हैं। जब बाल्यावस्था में बालक या बालिका पहुँचती हैं तो उनकी ज्ञानेंद्रियाँ जो होती हैं वो परिपक्वता की ओर आ जाती हैं। ठीक साथियों, अब हम लोग आगे बात करेंगे कि किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें साथियों समझने वाली चीज़ें हैं। ठीक, क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की बात करें साथियों, तो किशोरावस्था के दौरान किशोर एवं किशोरियों का संज्ञानात्मक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचने लगता है। जो किशोरावस्था होती है इस दौरान संज्ञानात्मक विकास बालक की या बालिका की अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचने लगता है। साथ ही साथ साथियों बात करें तो जो बाल्यावस्था होती है इस अवस्था में होने वाले मानसिक विकास से संबंधित प्रमुख विशेषताओं को अगर हम लोग कुछ भागों में बांटकर अगर पढ़ने का काम करें तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। जैसे अगर बात करें तो बुद्धि का अधिकतम विकास किस प्रकार से होता है? किसका? बुद्धि का अधिकतम विकास
बुद्धि का अधिकतम विकास, बुद्धि के अधिकतम विकास की बात करें साथियों, तो किशोरावस्था में बुद्धि का विकास उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। साथियों समझ रहे हैं, किशोरावस्था में बुद्धि का विकास उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। इसमें भी भिन्न 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 वैज्ञानिकों ने अपने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। ठीक साथियों, अगर बात करें तो कुछ लोग मानते हैं कि 16 वर्ष तक, कुछ लोगों का मानना है कि 18 वर्ष तक तथा बुद्धि का पूर्ण रूपेण विकास हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि 16 वर्ष तक बुद्धि का पूरा विकास हो जाता है और कुछ लोग यह कहते हैं कि 18 वर्ष की अवस्था में ही बुद्धि का विकास होता है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, ठीक, किशोरावस्था में बुद्धि के विकास के लिए। ठीक साथियों, मनोवैज्ञानिक वुडवर्ड कहते हैं कि 20 वर्ष की सीमा में बुद्धि का विकास होता है। मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ जी कहते हैं कि 20 वर्ष की अवस्था में बुद्धि का विकास होता है किशोरावस्था में। 20 वर्ष की अवस्था में, 20 वर्ष की अवस्था में बुद्धि का विकास होता है। ठीक, कौन कहते हैं ये बात? ये मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ जी कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक 18 वर्ष को बताते हैं, कुछ वैज्ञानिक 16 वर्ष की अवस्था को बताने का काम करते हैं। अब हम लोग साथियों उच्चतर मानसिक शक्तियों का विकास किस प्रकार से होता है उसकी चर्चा करेंगे। किसकी? उच्चतर मानसिक शक्तियों का विकास। उच्चतर मानसिक शक्तियों का विकास किस प्रकार से होता है? साथियों बाल्यावस्था में अगर बात करें तो उच्च मानसिक शक्तियों का पर्याप्त विकास हो जाता है। किशोरावस्था में, सॉरी साथियों, हम लोग किशोरावस्था पढ़ रहे हैं। किशोरावस्था में अगर हम लोग बात करें तो उच्च मानसिक शक्तियों का पर्याप्त विकास हो जाता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास बहुत से बौद्धिक क्षेत्रों को गतिशील और उन्नत बना देता है। जैसे अगर बात करें तथ्यों को सामान्यीकृत करने की योग्यता का विकास, तथ्यों को किस प्रकार से सामान्य किया जाए उसकी योग्यता भी होनी चाहिए। तो क्या हुआ कि तथ्यों को सामान्यीकृत करने की योग्यता, तथ्यों को किस प्रकार से सामान्य किया जाए इसकी भी योग्यता बालक के अंदर किशोरावस्था में आती है। अगली बात अगर करें तो सोचने समझने की क्षमता का भी विकास होता है। किसका? सोचने समझने की क्षमता। सोचने समझने की क्षमता का विकास। अगली अगर बात करें साथियों तो परोक्ष चिंतन की योग्यता, परोक्ष चिंतन की चिंता करने का भी विकास बालक के अंदर होता है। कैसी चिंता? परोक्ष चिंतन। एक मिनट, परोक्ष चिंता करने का विकास, परोक्ष चिंता किस प्रकार से किया जाए इसका भी विकास बालक के अंदर हो जाता है। अगली बात करें साथियों तो दीर्घकालीन स्मृति का भी विकास हो जाता है, मतलब लंबे समय तक याद, कोई भी चीज़ याद करने की क्षमता का विकास होना। तो हुआ दीर्घकालीन दीर्घकालीन समय तक स्मृति का, दीर्घकालीन स्मृति का विकास कर लीजिए, स्मृति का विकास, दीर्घकालीन स्मृति का विकास। और पांचवी बात अगर करें तो भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने की क्षमता का विकास, मतलब भविष्य में हमारी क्या आवश्यकता है उसकी, भविष्य में हमारी क्या आवश्यकता है उसका अनुमान लगाने की क्षमता भी बालक के अंदर या किशोर के अंदर विकसित हो जाती है। इसे हम लोग लिखेंगे कि भविष्य की आवश्यकताओं
भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने की क्षमता का विकास। ठीक साथियों, अगली बात करें अगर तो रुचियों में विविधता किस प्रकार से होती है, रुचियों में विविधता किस प्रकार से होती है किशोरावस्था में, इसकी चर्चा हम लोग थोड़ा करेंगे। किसकी? रुचियों में विविधता। तीसरी बात करेंगे कि रुचियों में विविधता किस प्रकार से होती है, मतलब रुचियों में विविधता, विविध विविध प्रकार की, विविध विविध लोगों में किस प्रकार से रुचि उत्पन्न होती है, तो रुचियों में विविधता। किशोरावस्था में साथियों रुचियों का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। किशोरावस्था जो होती है, इस अवस्था में रुचियों का विकास काफ़ी तीव्र मात्रा में होता है, काफ़ी तेजी से होता है। साथ ही साथ साथियों बालक और बालिका में कुछ रुचियां समान होती हैं और कुछ भिन्न होती हैं। बालकों की कुछ रुचि समान होती है और कुछ भिन्न होती है। समान की अगर बात करें साथियों, तो भावी जीवन एवं बालकों की अगर बात करें तो बालकों में भावी जीवन एवं व्यवसाय की रुचि, फिल्मी गीत सुनना, फिल्म देखना इत्यादि जैसे चीज़ें। कौन सी? भावी जीवन, की बात करें, फिल्म देखने की बात करें, फिल्म देखना, व्यवसाय की ओर, आकर्षित होना, ठीक, इत्यादि जैसे चीज़ें ये बालकों में उत्पन्न होती हैं। लेकिन अगर यहीं हम लोग बालिकाओं की बात करें तो बालिकाओं के अंदर संगीत, नृत्य, साहित्य आदि जैसी चीज़ों का होता है। अगर बालिकाओं की बात करें तो बालिकाओं में संगीत की बात होती है, संगीत की रुचि होती है, नृत्य की निचि होती है, रुचि होती है किसकी? संगीत की। नृत्य की अगर बात करें तो नृत्य की, साथ ही साथ साहित्य की रुचि उनके अंदर होती है, किसकी? साहित्य की। बालकों की बात करें साथियों तो बालकों की ज़्यादा रुचि भावी जीवन जीने की, फिल्म देखने की, ज़्यादा से ज़्यादा घूमने टहलने की, ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय करने की, इस ओर ज़्यादा उनकी रुचि होती है। लेकिन अगर बालिकाओं की बात करें तो बालिकाओं में संगीत करना, नृत्य करना, साहित्य वगैरह की बात करें तो इन सारी चीज़ों में बालिकाओं की ज़्यादा रुचि होती है। अब हम लोग साथियों भाषा की बात करेंगे कि भाषा का विकास किस प्रकार से होता है, संज्ञानात्मक विकास। किशोरावस्था में भाषा का संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो साथियों अगर हम लोग बात करें तो किशोरावस्था में भाषा का ज्ञान भी काफ़ी तीव्र मात्रा में बढ़ने लगता है। उनके पास शब्दों का विशाल भंडार होने लगता है, जिसके माध्यम से वह किसी विषय पर, वह कहीं पर भी तर्क विचार बहस करने की योग्यता रखने लगते हैं। कभी भी किसी भी समय किसी भी मुद्दे पर तर्क वितर्क विचार विमर्श करने की योग्यता अपने पास रखने लगते हैं। इतना उनके पास भाषा का भंडार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास के कारण उनके अंदर हो जाता है। अगली अगर बात करें साथियों तो यह समझने, बालक जो होता है या किशोर जो होता है, वह अपने आप को यह समझने लगता है कि किससे किस तरह की बातचीत करना है, किस तरह की भाषा का प्रयोग हमें करना है। औपचारिक तथा अनौपचारिक स्थितियों में भी वह भाषा के प्रयोग में सतर्कता बरतने लगता है कि कौन सी भाषा औपचारिक होगी और कौन सी अनौपचारिक लैंग्वेज हमारी उस दौरान होगी। ये ठीक साथियों, तो ये हमारा जो है किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की बात हम लोग चर्चा किए। ठीक, संज्ञानात्मक विकास हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर लिए। ठीक साथियों, अब अगर हम लोग बात करें तो अब अगला टॉपिक हम लोगों का है कि सामाजिक विकास किस प्रकार से होना चाहिए। सामाजिक विकास की हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सी अवस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। शैशवावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है,
बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है, साथ ही साथ किशोरावस्था में किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। या तो साथियों ठीक है, क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं, क्योंकि क्लास लंबी हो रही है, तो क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। हम लोग इसके बाद अपनी नेक्स्ट क्लास जो हम लोगों की होगी उसमें सामाजिक विकास के बारे में चर्चा करने की बात करेंगे। क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। साथ ही साथ साथियों ये आपकी 12वीं क्लास है, पिछली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछली क्लास भी जाकर आप लोग देखिए, तभी आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि अभी आगे जो जो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिफिकल्ट होती जाएगी, तो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इस वजह से क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, ठीक। साथ ही साथ अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स भी आप लोग प्रिपेयर किया करिए। पिछली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर पिछली क्लास को देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पर यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए 3 क्लासेज दी जा रही हैं। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, एक बाल विकास की, दूसरी हिंदी की, तीसरी सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड हिस्ट्री का कुछ चैप्टर, एक दो चैप्टर शायद फिनिश हो चुका है, और साथ ही साथ ज्योग्राफी का भी एक दो चैप्टर फिनिश हो चुका है, तो उसे भी आप लोग देखा करिए सभी क्लासों को, ठीक। तो ठीक है साथियों, क्लास को ओवर कर, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक करिए, अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक करिए। साथ ही साथ क्लास किस प्रकार से लगी आप लोगों को उसकी प्रतिक्रिया भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर उसकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, ठीक साथियों। तो ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।